मैंने अपना लोगो डिजाइन कैसे करा, आप भी सीखना चाहते हो तो वीडियो को फुल वॉच कर सकते हैं भाई। बहुत ज्यादा डिमांडेड ट्यूटोरियल है भाई इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर, भाई बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे भाई ये बताओ आपने लोगो कैसे क्रिएट करा, अपना डिजाइन कैसे करा। फुल वीडियो तुम्हारा भाई लिया है, फुल डिटेल में तुम्हारा बताने वाला है। वीडियो को लाइक नहीं करता लाइक कर देना, नए हुई चैनल पर पहली बार वीडियो देखे तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन में जरूर प्रेस कर देना। वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइज, यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर ओपन हो चुके हैं। ओपन होने के बाद गाइज आपको जो एप्लीकेशन ओपन करनी है वो करने का पिक्सल लैब एप्लीकेशन। तो गाइज हमें ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक कर देना। कैंसिल पर क्लिक करने के बाद गाइज कुछ आपको न्यू टेक्स्ट मिलेगा ये वाला स्क्रीन पर, आपको इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिलीट कर देना है। ओके तो यहाँ पर आपको जाना है गाइज, यहाँ पर आपको आना है फोर्थ वाले ऑप्शन पर, नीचे वाला लास्ट मिलता है ये वाला। ओके तो ये ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कलर्स मिल जाएगा। यहाँ पर गाइज कलर आपको यहाँ पर कर देना है वाइट, तो व्हाइट हम कलर्स कलर सेलेक्ट कर लेंगे। गाइस यहाँ पर जाएंगे हम इनपुट इमेज में। ओके तो यहाँ पर ये वाला तीसरा वाला ऑप्शन है और गाइस यहाँ पर आपको मिल जाता है इनपुट ये वाला फोटो का ऑप्शन। ओके इस पर हम क्लिक करेंगे गाइस, एक पीएनजी है वो लाते हैं। ओके सो गाइस ये हमारी पीएनजी है गाइस, इसे आपको राइट क्लिक कर देना। राइट क्लिक करने के बाद गाइस ये है हमारी पीएनजी गाइस, इसे हमें कर देना है यहाँ पर क्लिक। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये वाले ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर साइड में, तो ये गाइज आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करने है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद गाइज आपको इरेजर कलर मिलेगा ये वाला, तो यहाँ ये आपका अनेबल कर देना है। ये गाइज आपका कलर अपना आप सेलेक्ट कर लेगा जो भी आपका बैकग्राउंड में है। तो गाइज हमारा बैकग्राउंड कलर वाइट था, ये हमारा रिमूव हो चुका है। अब गाइज यहाँ पर कर देंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद गाइज आपको इसको कर देना है यहाँ पर इस टाइप से, और गाइज यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद गाइज आपको मिल जाती है यहाँ पर लेयर सेक्शन ये वाली, तो लेयर सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर लॉक का ऑप्शन मिल जाता है गाइस ये वाला। ओके तो लॉक पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर गाइस इसे कर देना है बंद। ये गाइस तुम्हारा भाई ने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से ड्रॉ करा है। ओके आपको टाइम लगता है तुम्हारा भाई ने इसलिए इसकी पीएनजी वगैरह बना दिया, तो इसका लिंक तुम्हारा भाई डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, जाके डाउनलोड कर लेना। ओके सो गाइस यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट लिख सकते हो, जो भी आपका टेक्स्ट है। तो तुम्हारे भाई का नाम है गाइस YN। ओके तो YN के टेक्स्ट लाते हैं हम पहले। तो गाइस टेक्स्ट भी हमने बना रखे हैं, तो गाइस आपको इनपुट में जाना है। इनपुट में जाने के बाद यहाँ पर गाइस हमारे टेक्स्ट लगाते हैं। सो गाइस ये हमारे टेक्स्ट आ चुके हैं। ओके तो ये गाइस तुम्हारे भाई ने टेक्स्ट बना रखे हैं पहले से, अदरवाइज आपको यहाँ पर आना है टेक्स्ट में। टेक्स्ट में आने के बाद गाइस आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है न्यू टेक्स्ट पे। यहाँ पर आपको कर देना है अपना नाम क्लिक, तो जैसे गाइस हमारा वाई है तो वाई हम क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। और गाइस यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपका फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये वाले बहुत सारे फ़ॉन्ट मिल जाएंगे आपको। ओके पिक्सल लैब में गाइस बहुत सारे फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। तो भाई ये था हमारा फ़ॉन्ट, तो ये हमारा फ़ॉन्ट आ चुका है। अगर गाइस साइज़ बड़ा करना हो ये रहा साइज़ का ऑप्शन, और गाइस देखते हो बिल्कुल यही हमारा फ़ॉन्ट है। ओके तो यहाँ पर हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद गाइस जहाँ पर आपको लगाना हो ये लगा लेना, तो गाइस हम इसे कर देंगे क्रॉप पहले। तो ये गाइस हमारा क्रॉप हो चुका है। ओके हम दूसरा भी फ़ॉन्ट लाते हैं गाइस अपना। सो गाइस यहाँ पर हमारे ये दो फ़ॉन्ट आ चुके हैं वाई एन वाले। ओके तो गाइस हमें इसे कर देना है यहाँ पर क्लिक। तो गाइस जैसे तुम्हारा भाई का लोगो था तो हम कुछ स्टेप से यहाँ पर लगा देंगे। ओके जैसे गाइस हमारा वाई यहाँ पर सेट बैठ चुका है और गाइस एन हमारा यहाँ पर सेट बैठ जाएगा। ओके तो गाइस इस टाइप से आप लगा सकते हो, जिस टाइप से आप लगाने चाहो। तो बस गाइस आपको एडजस्टमेंट खुद से करनी होगी, तो यहाँ पर हम कुछ इस टाइप से लगा देंगे। और गाइस यहाँ पर हम इसको गाइस एन हमारा ठीक लग चुका है, हमें इसे लॉक कर देना है। और गाइस ये जो हमारा वाई है इसे हम देखते हैं। ओके तो वाई हमारा कुछ इस टाइप से यहाँ पर लग जाएगा। ओके सो गाइस यहाँ पर हमारे दोस्तों गाइस यहाँ पर हम इसे कर देंगे लॉक। अदरवाइज आपका जो भी अक्सर सेलेक्ट हो जाए वो गाइस आपको लॉक कर देना है, नहीं तो गाइस बेकार हो जाएगा इंगेटिंग। तो गाइस हमारा ये जो क्रिएट है ये गाइस हमारा पूरा क्रिएट हो चुका है वाई एन वाला। ओके तो गाइस आपको काम क्या करना है, करना है गाइस सेव। तो सेव पहले हमें से कर देंगे। तो गाइस आपको आना है यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन पे। शेयर वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको डिफॉल्टर का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर गाइस जोन से भी आप करना चाहो कर लेना, वेरी हाई हाई ओके। तुम्हारा भाई सजेस्ट करेगा आप अल्ट्रा पे करो और सेव टू गैलरी कर दो। ओके तो सेव टू गैलरी पे हमारा गाइस फोटो सेव हो जाएगा बिल्कुल फुल एचडी में। ओके तो गाइस इसे जूम भी कर सकते हो, फुल एचडी में आपकी इमेज हो जाएगी वाली ओपन। ओके तो गाइस यहाँ पर आपको कर देना है इसे बैक बैक के। सो गाइस यहाँ पर हम दोबारा आ चुके हैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन में। गाइस आपको दोबारा यहाँ पर कलर्स करना है, यहाँ पर वाइट कलर्स कलेक्ट। ओके तो यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन कर देना है। अब गाइस काम क्या करना है आपको, दोबारा गाइस जो अपने लोगो सेव करा था वो गाइस लाना है आपको यहाँ पर। तो गाइस आपको इनपुट का ऑप्शन मिल जाता है, इनपुट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर गाइस आपने जो ये वाला करा था सेलेक्ट, यहाँ पर हम कर देंगे इसे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर हम कर देंगे इसे बिल्कुल छोटा। तो यहाँ पर आपको इरेजर का ऑप्शन मिल जाता है जो गाइस तुम्हारे भाई ने पहले करा था। तो यहाँ पर आपका कलर ये अपना सेलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट करने के बाद ये पीएनजी वगैरह बन जाएगी आपके
तो गाइज आपको यहाँ पर कर देना है बिल्कुल छोटा छोटा। क्लिक करने के बाद आपको जाना है टेक्स्ट पे, यहाँ पर न्यू टेक्स्ट आपको मिल जाएगा, आप गाइज इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी गाइज आपने शॉर्ट नाम तो लिख दिया YN आपका जो भी है, AKSK जो भी आपका, अब गाइज यहाँ पर आपको फुल नेम टाइप कर देना है। जैसे गाइज तुम्हारा भाई का नाम था YN, तो YN की फुल फॉर्म है यश हिमेश। तो यहाँ पर हम डन क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो साइज़ हम बढ़ा लेंगे हल्का सा। बढ़ाने के बाद गाइज हम नीचे स्क्रॉल डाउन करना है आपको, तो यहाँ पर गाइज फ़ॉन्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। गाइज बहुत सारे फ़ॉन्ट आपको यहीं मिल जाते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह सब कुछ इसमें ही मिल जाता है। फ़ॉन्ट पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर गाइज माय फ़ॉन्ट में जाएंगे, माय फ़ॉन्ट में आने के बाद ये वाला हम सेलेक्ट करेंगे, ओके यश निमेश। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक कर देंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर कलर्स का ऑप्शन मिलेगा, तो कलर्स आपको ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है। ब्लैक सेलेक्ट करने के बाद आपको काम ये करना है, आपको गाइज ये वाला स्पेकिंग पर क्लिक करने वाला स्पेकिंग, तो स्पेकिंग पर क्लिक करेंगे, ये गाइज जो उसकी स्पेकिंग है ये गाइज हम हल्के से बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हमने 4 पर बढ़ा दिया है, 5 पर, तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद गाइज नीचे मिल जाती है आपको गाइज शैडो, तो ये वाली 3D शैडो है, तो ये 3D शैडो गाइज आप अनेबल करोगे, तो अनेबल करने के बाद देख सकोगे कितनी अमेजिंग लग रही है वैसे। तो ये आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो बैकग्राउंड नीचे, ओके। तो ये था हमारा गाइज इसका जो अनेबल शैडो थी, ये गाइज नीचे ब्लैक ब्लैक सी है ना लाइन, ये भी गाइज बहुत अमेजिंग लगती है। अदरवाइज आप लगाना चाहो लगा लेना, तो तुम्हारा भाई से लग ही टाइम देता है वैसे, ओके। तो गाइज आपको जो स्पेकिंग है ये गाइज हम हल्की सी और बड़ी कर लेंगे, ओके। हल्की सी और बड़ी करने के बाद कुछ इस टाइप से करेंगे, यहाँ पर गाइज हम कर देंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद ये जो पॉइंट आपको इसे गाइज बिल्कुल यहाँ पर आपको बीच में लाना है, बिल्कुल सेंटर में, वाई के और एन के बीच में, जितना भी आप लगाना चाहो उतना लगा लेना। तो गाइज हम इसे कर देंगे लेयर को छोटी हल्की सी, तो यहाँ पर हमने कर दिया है सेलेक्ट। यहाँ पर गाइज जो सा भी आप सेलेक्ट कर लो लेयर, उसे कर देना है आपको लॉक, ओके। तो गाइज ये वाली हम लेयर कर देंगे लॉक, तो लॉक करने के बाद आप करेंगे गाइज वाई एन सेलेक्ट हम अपना, ओके। तो यहाँ पर हम वाई एन सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमने कर लिया है वाई एन सेलेक्ट, ओके। तो यहाँ पर हमने कुछ स्टेप से कर लिया, स्टेप से करने के बाद गाइज तो हमारा लोगो का गाइज पूरा डिजाइन हो चुका है। डिजाइन होने के बाद गाइज यहाँ पर आपका डिजाइन हो जाए, तो गाइज यहाँ पर आपको जाना है सबसे लास्ट वाले ऑप्शन है 4th वाले पे, और गाइज यहाँ पर आपको मिल जाता है वाला ट्रांसपेरेंट वाला ऑप्शन, ओके। तो इस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद गाइज आपकी जो PNG लोगो की बन जाएगी। शेयर पर क्लिक करना, यहाँ पर डिफॉल्टर, और गाइज जो भी आप करना चाहो वो कर लेना। अल्ट्रा पर क्लिक करना, सजेक्ट कर रहा है तुम्हारा भाई सेव टू गैलरी। गैलरी करने के बाद आपका जो लोगो है वो डिजाइन हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। PNG का लिंक तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, जाके डाउनलोड कर लेना। सो गाइस तुम्हारा भाई लगाना भी बता देता है कैसे लगाना है और कितना अमेजिंग लग रहा है लोगो, ओके ओके। सो गाइस हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन हो चुके हैं। ओपन होने के बाद गाइस आपको तुम्हारा भाई लगाना बता रहे, तो गाइस आपको ऐड ए फोटो में जाना है। ऐड ए फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको जो लोगो डिजाइन कर रहा था वो आपको ले आना है। सो गाइस ये हमारा लोगो डिजाइन आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद गाइस ये आपकी PNG आपको प्रोवाइड हो जाएगी, जो गाइस तुम्हारा भाई ने बताई थी PNG आपको कलर सेलेक्ट करने की, ब्लेंडिंग वगैरह करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो गाइस आपको इस टाइप से यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेना है। तो गाइस बहुत से जने गाइस कुछ इस टाइप से लगा देते हैं बड़ा बड़ा, तो गाइस ये बड़ा बड़ा बहुत बेकार लगता है लोगो डिजाइन। जितना गाइस आप बिल्कुल छोटा रखोगे उतना गाइस आपको परफेक्ट लगेगा। तो गाइस जितना आपने छोटा रखा है इस टाइप से, तो यहाँ पर हम जहाँ भी आप लगाना चाहो लगा लेना। तो गाइस देख सकते हो बिल्कुल बहुत छोटा रखो, उतना छोटा रखो बिल्कुल प्रोफेशनल लगेगा आपको लोगो। और गाइस जिसको क्वालिटी को बिल्कुल भी लॉस नहीं हुआ है हमारे लोगों को, तो वाइस ऐसे हम कर देंगे छोटा। छोटा करने के बाद दोस्तों का कितना भी जूम कर लो यस नहीं में आपका पूरा दिखेगा। तो वाइस हम कर देंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों का कितना प्रोफेशनल लग रहा है हमारा लोगो, और वो भी बहुत छोटा, जितना लगाओ वो आप लगा लेना, ओके। सो वाइस यहाँ पर हमारी एडिटिंग का प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो भाई लाइक करें वीडियो को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, कमेंट डाउन करके बताना वीडियो कैसी लगी। तुम्हारा भाई मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एडिटिंग करते रहो वी ऑल।